फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में और बहुत ही फ्रेश वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने वाले हैं एक विला, बहुत ही ज़बरदस्त विला यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे कि पीछे की तरफ आप एक बार दिखा दीजिए लुक, यहाँ पे जो विला बने हुए हैं, विला की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 75 वर्ग गज से लेके 78 वर्ग गज में यहाँ पे बने हुए हैं। प्राइस की अपन बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, एक बार अपन यहाँ पे विला का या टूर कर लेते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अभी तक आपने 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर रखा चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे देख रहे हैं सामने की तरफ जो फ्रंट एलिवेशन है, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे अपन एंट्री करते हैं तो सामने की तरफ यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक स्पेस मिल जाता है सेडान कार, जिसमें आप आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इधर की तरफ भी अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको एक स्पेस आपको मिल जाता है, इसमें आपका मोटर वगैरह जो है यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत आसान इजी तरीके से। इधर की तरफ देखते हैं अपन तो यहाँ पे आपको वाटर टैंक का प्रोविज़न मिल जाता है जो बहुत सफिशिएंट है। ऊपर की तरफ एक बार हाईलाइट कर दीजिए एक बार कैमरामैन जी, ऊपर की तरफ जो वुडन स्ट्रक्चर में दिया गया बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। फिर अपन जैसे एंटर करते हैं तो एंट्री पर यहाँ पर आपको विंडो देखने को मिल जाता है, और जैसे ही एंटर अपन यहाँ पर करते हैं तो डाइनिंग और ड्राइंग एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे डाइनिंग ड्राइंग एरिया का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इधर पीछे की तरफ अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टीवी कैबिनेट के लिए यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसमें वुडन का यहाँ पे काम किया गया है, बहुत अच्छा काम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। साथ साथ में यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है छोटा सा, जिसमें आप इन्वर्टर वगैरह आप आसानी से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया से इधर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, जिसमें किचन का एक स्पेस मिल जाता है। एल शेप में यहाँ पे किचन बनाया, किचन की साइज़ की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी साइज़ यहाँ पे निकाली गई है। साथ साथ में देखो तो मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बनने वाला है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि अभी तक फिनिशिंग यहाँ पे चल रही है, फिनिशिंग स्टेज पे है ये। सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह भी यहाँ पे परफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी फिनिशिंग चल रही है, लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट फिनिशिंग यहाँ पे हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इधर सामने की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको डुप्लेक्स हम दिखाने वाले हैं, तो सबसे पहले नीचे जो रूम बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। रूम के अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 16x12 के आसपास की रूम की साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी साइज़ में यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको वुडन के यहाँ पे आपको मिल जाता है, कबर्ड्स आपको देखने को मिल जाती है जो बहुत अच्छे स्पेस में ऊपर और नीचे दोनों तरफ में आपको दी गई। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का नज़ारा भी एक बार दिखा दीजिए, बहुत अच्छा फॉल सीलिंग का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको इस रूम अटैच वॉशरूम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ सामान वगैरह भरा पड़ा है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा ऐसी फैलावट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इधर पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ बालकनी का स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। साथ में साथ में पीछे की तरफ देखते हैं तो जाल वगैरह लगा के बिल्कुल इसको यहाँ पे कवर्ड इसको किया गया है सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। भी पीछे की तरफ भी अगर बात करूँ तो विलाई वहाँ पे बन रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, बिल्कुल साइड बैक यहाँ पे बिल्कुल छोड़ा गया है। तो जैसे हमने यहाँ पे नीचे की तरफ देखा, वन बेडरूम हमने देखा, डाइनिंग ड्राइंग एरिया अपन ने यहाँ पे देखा, साथ साथ में अपन ने यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी देख लिया, किचन का लुक भी देख लिया। अपन ऊपर की तरफ देखते हैं एक बार, यहाँ पे जैसे अपन ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे मार्बल के स्टेयर्स आपको दिख जाता है, साथ साथ में यहाँ पे स्टील की रेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अपन ऊपर की तरफ एक बार देख लेते हैं, आइए कैमरामैन जी एक बार ऊपर की तरफ लुक दिखाते हुए लेके आइए, इतना अच्छा लुक आपको ऊपर की तरफ भी देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप आराम से यहाँ पे थोड़ी बहुत सिटिंग की व्यवस्था भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो जैसे नीचे की तरफ रूम बना हुआ था सेम वैसे ही उसी साइज में यहाँ पे रूम आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एसी वगैरह की फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर एसी वगैरह की फिटिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इसमें आपको अटैच वॉशरूम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, एक बार दिखा दीजिए अंदर की तरफ लुक। टाइल्स वगैरह की भी बात करूँ तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर इधर एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जो लुक है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल यहाँ पे भी जाल को लगा वगैरह लग के साइड बैग वगैरह छोड़ के बिल्कुल कवर्ड इसको यहाँ पे बनाया गया है। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वार्डरोब्स का काम किया गया है, जो ऊपर और नीचे दोनों वुडन के यहाँ पे वार्डरोब्स यहाँ पे लगाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी अंदर भी वुडन का यहाँ पे काम आपको देखने को मिल जाता है प्रॉपरली। फिर हम देखते हैं जो फ्रंट के अंदर जो रूम बना हुआ है उसका भी एक बार हम लुक देख लेते हैं, तो आइए कैमरामैन जी। यहाँ पे रूम की साइज की बात करूँ तो 14x12 के आसपास का रूम का साइज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ साथ में सामने की तरफ यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको देखने को मिल जाती है। उधर की तरफ एक बार लुक दिखा दीजिए कैमरामैन जी, यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्रेसिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जैसे एंटर करते हैं, बाद में देखते हैं तो एक बार अंदर जाके एक बार लुक दिखा दीजिए। आपको वॉशरूम का लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। टाइल्स वगैरह के काम की बात करूँ तो बहुत अच्छा यहाँ पे किया गया है, साथ साथ वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाती है।
फिर इधर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे आपको बालकनी का स्पेस देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे बालकनी का दिया गया है। सामने की तरफ अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ बसावट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 80-90% यहाँ पे बसावट आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉपर बसावट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको 75-78 स्क्वायर यार्ड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 54 लाख रुपए से यहाँ पे स्टार्ट है। अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन वैसे मैं और हाईलाइट यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीच के अंदर, लेकिन पहले अपन प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 54 लाख रुपए से जैसे यहाँ पे स्टार्ट है लोकेशन जो है, मैं ऊपर जाके छत पे आपको प्रॉपरली और एक बार दिखा दूंगा। भारत माता सर्किल और वंदे मातरम सर्किल के बीच में ये लोकेटेड है। फैमिली हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। तो कैमरामैन जी एक बार यहाँ पे आप कैमरा पोज करके एक बार अपन ऊपर की तरफ चल के नज़ारा दिखा देते हैं। तो आइए कैमरामैन जी एक बार अपन छत पे चल के यहाँ पे पूरा एक बार चारों तरफ का नज़ारा एक बार हम दिखा देते हैं कि कैसा यहाँ पे बना हुआ है। ऊपर की तरफ भी एक बार लुक दिखाते हुए लेके आइए कि कितना अच्छा यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर देखी जाए तो बहुत छत भी जो है बहुत अच्छा स्पेस में यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ छत की अगर मैं बात करूँ तो छत पे आपको बढ़िया यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगा के यहाँ पे काम किया गया है। इधर की तरफ यहाँ पे आप दिखा देख सकते हैं जो विला बने हैं उनका एक बार लुक दिखा दीजिए। 5 टोटल विला यहाँ पे बने हुए हैं। साथ साथ में चारों तरफ बसावट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बसावट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इधर पीछे की तरफ भी जैसे मैं बता रहा था कि विला यहाँ पे बने हुए हैं, आइए कैमरामैन जी एक बार पीछे की तरफ भी एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे पीछे भी आपको लुक जो है देखने को मिल जाता है। साथ साथ में इधर की तरफ हाईलाइट कर दीजिए एक बार। तो जैसे लोकेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, भारत माता सर्किल वंदे मातरम सर्किल पत्रकार कॉलोनी के पास में, मानसूर से बिल्कुल पास में है ये, आपको मिल जाता है। अगर मैं दूरी की अगर बात करूँ तो रेलवे स्टेशन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर आपको ये मिल जाता है। सिंधी कैम से भी लगभग ऑलमोस्ट इतना ही आपको पड़ जाता है। एयरपोर्ट की अगर बात करूँ तो वही 12 से 15 किलोमीटर आपको एयरपोर्ट भी यहाँ पे दूरी आपको मिल जाती है। बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, हमारे सलाहकार का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर आप कॉल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।